लक्ष्मी सही कह रही थी, भैया डिस्टर्ब है। मंगल भाभी से आज पता चल जाएगा कि चक्कर क्या है। लक्ष्मी ये चक्कर बताना, नमक वमक ठीक है कि नहीं? ठीक है, आपके खाने में कोई कमी नहीं रह सकती दीदी। मंगल के सामने सच आ जाएगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर आदित्य सोम्या के यहाँ है और कुसुम भी पहुंच गई। अब जब मंगल पहुंचती है ना तो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि सब लोग यहाँ पर कैसे हैं, और अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो माँ क्या कर रही है यहाँ पर, और वो कुसुम को देखती है तो और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, लेकिन कुछ चीजों में थोड़ा कम ज्यादा कर देती है आप। मतलब कोई सच है जो आपने पूरा ना बताया हो? दीदी आपके और जीजू के बीच कोई बात हुई है, कोई बड़ी बात? और यहाँ पर कुसुम बोल देती है कि भाई मैं तो यहाँ पर इसको देखने आई थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था ना तो आदित्य का फोन आया था और आदित्य भी बहुत परेशान था तो इसलिए यहाँ पर उसको छोड़ने आ गया था। और ये सारी चीजें बोल करना ये लोग वापस तो आ जाएंगे, लेकिन इसी बीच में भाई उससे पहले यहाँ लैंड लेडी मिल जाएगी जो सोम्या की होती है। बताइए दीदी आप कहाँ जा रही है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है लक्ष्मी, मैं और आदित्य पहले की तरह ही है, सब ठीक है। तो मुझे कहती थी ना कि आप ज्यादा सोचती है दीदी, और वो उसको तो ये लग रहा था ना कि यहाँ पर आदित्य से इसकी शादी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर उसको पता लगता है कि भाई जो मंगल है ना वो उसकी असली बीवी है। और जैसे ये पता लगता है तो उसके भाई सोसाइटी में भी बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। अब तू ज्यादा सोच रही है। दीदी आप उस रात मंदिर नहीं गई थी बल्कि सड़क पर बेहोश पड़ी थी। और यहाँ पर उसको नोटिस वगैरह दे देते हैं सोम्या को बाहर निकलने के लिए, और उसको बोल देते हैं कि 10 दिन में आपको घर खाली करना है, क्योंकि भाई हम ऐसे लोगों को नहीं रख सकते जो ऐसे लोगों से रिश्ता रखते हो जो ऑलरेडी शादीशुदा हो। और ये बात आपने किसी से नहीं कही, मुझे तक नहीं बताया, ऐसा क्या हुआ था उस रात को बोलिए। अब यहाँ पर सोम्या किस तरीके से ये सारी चीजें टैकल करने वाली है तो हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन भाई आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर 15वीं सालगिरह है और किस तरीके से ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या करना है। यहाँ घर पर कार्तिक, लक्ष्मी, गायत्री, आदित्य सारे लोग हैं, और यहाँ पर मंगल के पेरेंट्स को भी बुला लिया है ये सारी चीजें पूछने के लिए कि भाई कौन क्या क्या तैयारी करेगा। लेकिन यहाँ पर ना आदित्य बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और यही हम देख रहे हैं कि जो लक्ष्मी और कार्तिक है ना थोड़े से कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आदित्य को हो क्या गया है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी ने वो फोटोग्राफ भी देख लिया था ना जिसमें उस कार्तिक ने सेल्फी ली थी और यहाँ रेस्टोरेंट में वो लोग केक खरीदने गए हुए थे और पीछे से आदित्य और सोम्या उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर फोटोग्राफ को जूम करके देखती भी है कि भाई ये जीजा जी क्या कर रहे हैं सोम्या के साथ, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज है। और जब से दीदी वापस आई भी है तब से कुछ तो लग रहा है ऐसा कि हमसे छुपा रही है। तो ये सारी चीजों का पता करने के लिए भाई ये करने वाले हैं यहाँ पर मंगल और आदित्य की जासूसी, और हो सकता है इनको पता लग जाए कि जो आदित्य है ना वो करता है सोम्या से प्यार और करना चाहता है उससे शादी।